हे दोस्तों, क्या आप आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हो जिसके थ्रू आपको एक अच्छी गूगल रैंकिंग मिल सके और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा आ सके। अगर ये सब आप चाहते हो तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वर्डप्रेस के लिए सबसे बेस्ट जो प्लगइन है WP Rocket, उसके द्वारा आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह से इम्प्रूव करना वाले है वो सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड को क्यों अच्छी रखनी चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो आपको गूगल रैंकिंग डाउन हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होने से आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक नहीं होगा तो अगर आप वेबसाइट से कुछ अर्न कर रहे हो तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको WP Rocket के थ्रू किस तरह से आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को काफ़ी एक अच्छी तरह से उसकी स्पीड को बूस्ट करते हैं वो सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, WP Rocket एक पेड और प्रीमियम प्लगइन है। ये नॉर्मली जो प्लगइन आते हैं W3 कैश हो गई या WP फास्ट कैसे प्लगइन हो गई या फिर और भी लाइट स्पीड जैसी कोई, अगर आपका सर्वर है और लाइट स्पीड प्लगइन हो जाती है जो कि कैशिंग करती है, ये सारी प्लगइन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हम इस वीडियो में आपको सभी उसकी डिटेल्स बताने वाले हैं। दोस्तों, ये प्लगइन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन हम आपको इसी वीडियो में उसका बेस्ट आप किस तरह से इस प्लगइन को काफ़ी कम रेट में परचेस कर पाओगे लाइसेंस के साथ, वो सारी बातें भी बताएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो जरूर से पूरा एंड तक देखेगा क्या, ताकि आप कोई भी स्टेप को मिस ना करो। और दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अभी क्या है और आपको ये वीडियो में हम जो सारे स्टेप बताएंगे उसका आपको फॉलो करने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो ज़रूर से हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम अभी सीधा ले कर चलते हैं आपको हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये प्लगइन को परचेस करना है और साथ ही साथ क्या क्या आपको इसे कस्टमाइज करना है, सारी बातें हम आपको बताते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक वर्डप्रेस के जरिए एक्स्ट्रा थीम के जरिए वर्डप्रेस पे हमने ये वाला एक वेबसाइट बनाया हुआ है। अगर दोस्तों आपको भी एक्स्ट्रा थीम परचेस करनी है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ वो वाला भी लिंक हमने दिया है, आप वो भी मेक श्योर चेक कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे हमारी इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे जो प्लगइन के द्वारा यूज़ करने वाले हैं वो है WP Rocket। WP Rocket के ज़रिए हम इस वाली वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे GT Metrics पे हमारी इस वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट किया तो 2.6 सेकेंड का हमें यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है और हमें ग्रेड भी बी मिल रहा है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बुरा माना जा सकता है। तो चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं WP Rocket की वेबसाइट पे। दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये जो प्लगइन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे $49.99 में आपको ये प्लगइन देखने को मिल जाता है। आई नो कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्लगइन को अफोर्ड आसानी से नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों हमने उसके लिए भी हमने आपके लिए स्पेशली हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस लिंक पे आप जाओगे तो आप सिंपली इस वाले प्लगइन को WP Rocket जो आपको उनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिल जाता है वही आप सिर्फ और सिर्फ 699 में आप इस प्लगइन को आसानी से परचेस कर पाओगे। और दोस्तों, ना कोई ये GPL है, ये ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपडेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लाइसेंस इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेक श्योर ये वाली वेबसाइट पे विजिट कीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ 699 में, यानी कि 700 रुपये में
$10 से भी कम रेट में आप इस प्लगइन को आसानी से परचेस कर पाओगे। और अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हमने इसी वेबसाइट का एक दूसरा भी लिंक दिया है जिसके द्वारा आपको ये प्लगइन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो वर्जन रहेगा वो GPL रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अपडेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैन्युअली इस वेबसाइट पे आना है। अगर आपको WP Rocket में कोई भी न्यू वाला वर्जन आता है तो इसका अगर आपको अपडेट करना है तो आपको मैन्युअली इस वेबसाइट पे आना है और आपको डाउनलोड करना है इसका न्यू वाला लेटेस्ट वाला वर्जन और आपकी वेबसाइट पे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको एक थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये 699 यानी कि 700 रुपये वाला अगर परचेस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट का सपोर्ट भी मिलेगा। मेक श्योर आप सेव 30 का यूज़ कीजिए ताकि आपको 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। SAVE30 ये कूपन कोड अगर अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ₹500 में आपको ये प्लगइन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस प्लगइन को हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं तो और उसके बाद हम आपको इसे एक्टिवेट करके भी बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लगइन है ये हमारी वेबसाइट पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेटेड भी हो चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैं WP Rocket का जो है वो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हमने कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों हमने जो वर्ज़न डाउनलोड किया है वो 3.8.8 है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3.8.8 वाला वर्ज़न है। तो चलिए अब हम इसे अपडेट करके भी चेक कर लेते हैं कि ये कम्प्लीटली एक्टिवेटेड है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको सिंपली उसे यस अलाउ कर देना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट की वर्डप्रेस की सारी उसको परमिशन दे देनी है ताकि ये आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस भी शो हो रहा है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पे 1 अप्रैल तक आपको अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपडेट करके ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें कोई लेटेस्ट नया अपडेट आया हुआ है या नहीं, और आया है तो वो ऑटो अपडेट होता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक नया अपडेट मिल चुका है, तो चलिए हम इसे अपडेट करके भी ट्राई कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो WP Rocket का प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो चुका है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये 100% लाइसेंस आएगा। यानी यहाँ पे आपको कोई भी मैन्युअली आपको डाउनलोड करके वापस से रीइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली लाइसेंस वर्जन आएगा। और जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिल चुका है 3.9.0.4 वाला। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स पे चले जाते हैं और इसको हम हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे उसके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको रॉकेट एनालिसिस जो है तो उसे अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे कैसे पे, कैसे पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगा क्योंकि आपने इसे परमिशन दे दी है, तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको सेपरेट मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसे अलाउ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसे अलाउ करना है इन केस अगर आप कोई अदर थीम का यूज़ कर रहे हो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, एडिशनल कोई मोबाइल स्क्रीन के लिए भी अलग से थीम का यूज़ कर रहे हो तो ही इस ऑप्शन को अलाउ कीजिएगा, नहीं तो इसे अलाउ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो लॉग्ड इन यूज़र को कैशिंग करना है या नहीं, तो यहाँ पे आप मेक श्योर इसे आप बंद ही रहने देना अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स पे है तो, यानी कि आप कोई पोर्टल सेलिंग करते हो, कुछ भी आप सेल करते हो वैसी वेबसाइट है तो आप इसे ऑफ रहने देना। अगर आपका ब्लॉग है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हो कैशिंग इन एवरी जो टाइमिंग है उसे भी आपको यहाँ पे छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 10 आवर्स का रहेगा, उतना ही रहने देना है। उसके बाद आपको आ जाना है फाइल ऑप्टिमाइज पे। फाइल ऑप्टिमाइज पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक ट्रिकी ये सब हो जाता है। मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ भी ना करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव होने के लिए। अगर आप मिनीफाई CSS फाइल को करोगे, मिनीफाई
API, CSS फाइल, Java फाइल और उसे ऑप्टिमाइज करोगे तो ज़्यादा मे भी कुछ भी आपकी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा भी कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है, कुछ मिली सेकेंड्स का ही फ़र्क आएगा आपकी वेबसाइट की स्पीड में। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी गड़बड़ करते हो तो मैं आपका शायद वेबसाइट क्रैश भी होने का चांसेस है, तो आप इसे कुछ भी नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे फाइल ऑप्टिमाइजेशन में कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको आ जाना है मीडिया पे। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे आपको अनेबल फॉर इमेजेस, अनेबल फॉर आई फ्रेम्स एंड वीडियोज उसे भी टिक कर देना है, और उसके बाद यूट्यूब के लिए भी उसे अलाउ कर देना है यूट्यूब की आई फ्रेम को। उसके बाद यहाँ पे एड मिसिंग डायमेंशन को भी ऑन कर देना है, और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का फॉन्ट को डिसेबल कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे एम्बेड का भी ऑप्शन यहाँ पे कम्प्लीटली आपको कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे प्रीलोड पे। प्रीलोड पे आप आते हो तो यहाँ पे जैसा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे साइट मैप के ज़रिए भी यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की जितने भी पेजेस है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी आप योस्ट या फिर रैंक मैथ जैसे अगर प्लगइन का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको रैंक मैथ या तो फिर योस्ट जो कोई भी आप प्लगइन यूज़ कर रहे होगा उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो उसके थ्रू आपके साइट मैप को फेच कर देगा और यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा। लेकिन अगर आप कोई भी नई यूज़ करते हो तो मेक श्योर आप एक न्यू विंडो ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आपकी वेबसाइट का URL टाइप कीजिए, और उसके बाद आपको सिंपली टाइप कर देना है sitemap.xml। और आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे sitemap.xml की हम यहाँ पे लिंक हमें मिल चुका है, आपको सिंपली उसे कॉपी कर देना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप योस्ट या रैंक मैथ का यूज़ कर रहे होगा तो सिंपली आपको योस्ट या रैंक मैथ का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। लेकिन आप कोई भी हमारे जैसे कोई भी प्लगइन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका मैन्युअली साइट मैप को यहाँ पे आपको लिंक को देना पड़ेगा, तब जाके ये आपके जो प्रीलोड हो गए आपके जो ऑलरेडी जितने भी जो आप पेजेस रहेंगे उनको भी प्रीलोड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अनेबल लिंक उसको ऑन कर देना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस रूल्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको डेटाबेस में आ जाना है। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पे आपको सभी चीज़ पे टिक कर देना है और ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों ये सिंपली ऐसा करेगा कि आपका जो अननेसेसरी डेटा रहेगा उसे ये क्लियर करता रहेगा, तो आपको मेक श्योर यहाँ पे सभी को ऑन कर देना है। और यहाँ पे आपको अगर आपको डेली या फिर एवरी वीकली करना है तो नीचे शेड्यूल का भी एक ऑप्शन है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसे आपको सेव कर देना है। तो सेव हो जाने के बाद आप जैसा कि देख सकते हो हमें नेक्स्ट ऑप्शन के पे चले जाना है जो कि है CDN। दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लाउडफ्लेयर को अलाउ करके इंटीग्रेशन कर देना है। हमने यहाँ पे इसे अभी स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आपको आ जाना है हार्ट बीट पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी रहेगा तो इसको में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको आ जाना है एडोन्स पे। एडोन्स पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करते हो तो क्लाउडफ्लेयर के साथ इसे लिंक कर देना है। वो कैसे करना है वो आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, तो मैं उसके लिए रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेजिफाई इमेज के जो ऑप्टिमाइजेशन है वहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आपको इमेज की जो फाइल है वहाँ पे आपको इमेजिफाई के ऑप्शन अलाउ करेगी, लेकिन मेक श्योर आप यहाँ पे इस प्लगइन का यूज़ ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पे इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस्ट प्लगइन कौन सा है, उसका कौन सा प्लगइन का यूज़ करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारी जितनी भी जो सेटिंग थी WP रॉकेट से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली अभी इमेज हमें जो करनी है इमेज को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे आपको एक प्लगइन रिकमेंड करते हैं, वो ही आप यूज़ कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में चले जाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं।
और उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है शॉर्ट पिक्सल की जो प्लगइन है उसे आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करके सर्च कर देना है शॉर्ट पिक्सल, और उसके बाद आपको वो वाली प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देनी है। दोस्तों ये जो प्लगइन है वो आपको एवरी मंथ 100 इमेजेस को कॉम्प्रेस करने के ऑप्शन देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मेक श्योर ये ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इमेजेस है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में WPSmuz का भी लिंक दिया है, वो उसका आपको GPL वर्जन सिर्फ 99 rupees में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इमेजेस है तो आप उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके वेबसाइट पे कम इमेजेस है तो आप शॉर्ट पिक्सल का यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा बेटर प्लगइन है और फ्री में आपको 100 पिक्चर को कंप्रेस करने का ऑप्शन भी देती है, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको डील देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको कर देनी है आपको API की। लेकिन यहाँ पे अगर आपको में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक न्यू विंडो पे शॉर्ट पिक्सल की वेबसाइट को ओपन कर देना है और वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू अकाउंट डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सिंपली आपकी जो कोई भी ईमेल आईडी है उसे आपको एंटर कर देना है, तो आपको न्यू API की आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको हमने यहाँ पे सिंपली हमारी ईमेल आईडी डाली है और यहाँ पे साइन अप कर दिया है, तो हमें जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमें API की मिल चुकी है। तो आपको ये API की को इस तरह से कॉपी कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे API की को इंसर्ट कर देना है आपकी ईमेल आईडी के साथ, और नीचे आपको API की का ऑप्शन देता है, वहाँ पे आपको सिंपली API की को पेस्ट कर देना है और वहाँ पे साइड पे जो वैलिडेट का बटन है उस पे क्लिक करके आपको वैलिडेट कर देना है। तो जैसा कि देख सकते हो कि हमें 100 पिक्चर्स का सपोर्ट मिल चुका है, तो हम यहाँ पे एवरी मंथ 100 पिक्चर्स को कंप्रेस कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग जो रहेगी बाय डिफॉल्ट ही बढ़िया रहती है, इसके साथ आपकी सेटिंग्स को यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे बल्क प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए, 7 बल्क प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे टोटल जितने भी पिक्चर्स होंगे वो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। हमारे केस में यहाँ पे 156 इमेजेस है, तो चलिए हम यहाँ पे 156 इमेज को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 156 यहाँ पे दोस्तों आपको भी पता होगा 100 पिक्चर्स का ही आपको एवरी मंथ सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे बाकी की जितने भी इमेज रहेगी वो नेक्स्ट मंथ कैरी ऑन हो जाएगी। आपका जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू होगा तो बाकी की इमेजेस भी ऑटोमेटिकली वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 100 जो पिक्चर्स का हमें सपोर्ट मिलता है तो हम यहाँ पे 100 पिक्चर्स को ही अभी के लिए हमारी वेबसाइट के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 100 पिक्चर्स को ही कंप्रेस करके ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सभी इमेजेस को कंप्रेस करते हैं तो हमारी वेबसाइट की स्पीड में और भी ज़्यादा हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता और ज़्यादा इम्प्रूव होती देखने को मिल जाती थी। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस को शुरू कर दिया है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस प्रोसेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग सकता है अराउंड यहाँ पे आपको 5-10 मिनट का टाइम भी लग सकता है, डिपेंड कि आपकी वेबसाइट पे कितने पिक्चर्स अपलोडेड है उसके थ्रू आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या तो फिर स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जितने भी 100 पिक्चर्स का जो सपोर्ट था वो यहाँ पे हमारा कोटा ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो है वहाँ पे 2.38 MB उसने कंप्रेस कर दिया है और यहाँ पे हमारे जितने भी 156 इमेज में से 100 इमेज को इसने कंप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं न्यू विंडो पे और यहाँ पे GT मैट्रिक्स को ओपन कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारी सभी जितनी भी सेटिंग थी वो कम्प्लीटली हो चुके हैं, तो चलिए हम यहाँ पे GT मैट्रिक्स पे आ चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट की स्पीड को हम टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमें अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें अभी जो हमारी स्पीड शो हो रही है वो 1.4 सेकंड की देखने को मिल रही है। दोस्तों हमने आगे जो ट्राई किया था वो अराउंड 2.4 के आसपास थी, जैसा कि आप देख सकते हो 2.4 और अभी हमारी स्पीड 1.4 हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से WP Rocket प्लगइन का यूज़ करके आप आपकी वेबसाइट की स्पीड को काफ़ी अच्छा बूस्ट कर पाओगे और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर पाओगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताया, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो कोई भी वेबसाइट डेवलपर है या फिर वर्डप्रेस डेवलपर है उनके साथ भी जरूर से शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे
टैप करके प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दिया, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे ही अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।